डीडीहाट विधानसभा से लगातार 5 बार विधायक रहे 66 वर्षीय बिशन सिंह चुफाल अब छठी पारी के लिए भी ताल ठोक चुके हैं। बिशन सिंह चुफाल अभी धामी सरकार में पेयजल, वर्षा जल संग्रहण, ग्रामीण निर्माण विभाग तथा जनगणना मंत्रालय बतौर कैबिनेट मंत्री संभाल रहे हैं। भाजपा विधायक बिशन सिंह चुफाल डीडीहाट विधानसभा से छठवीं बार विधायक बनने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य में बहुत विकास किया है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जिले स्तर से लेकर हर बूथ तक कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। वही बात करें डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की, तो बिशन सिंह चुफाल ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर जनता को क्षेत्र के विकास एवं योजनाओं के बारे में समझाने के लिए निर्देशित कर दिया है। वही बिशन सिंह चुफाल क्षेत्र में आजकल ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता की समस्याओं को भलीभांति समझकर उनका त्वरित निस्तारण कर रहे हैं। बिशन सिंह चुफाल 5 साल की कांग्रेस सरकार और 5 साल की भाजपा सरकार के कार्यों का तुलनात्मक चार्ट बनाकर जनता के सामने पेश भी करेंगी, ताकि जनता भली भांति समझ सके। बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि उन्होंने गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाना, घर-घर तक पानी देना, जिन विद्यालय में ताले लग गए थे वहां विद्यालयों की नियुक्ति कर छात्र संख्या बढ़ाने जैसे अनेक कार्य किए हैं। बिशन सिंह चुफाल के क्षेत्र में स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं। बात करें विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट की जनता की, तो जनता चुफाल से काफी हद तक प्रसन्न नजर आ रही है। डीडीहाट जिले की मांग इस विधानसभा चुनाव के हिसाब से काफी अहम मानी जा रही है। एक तरफ जहां डीडीहाट जिला आंदोलनकारियों ने हरीश रावत के आह्वान पर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, वहीं दूसरी ओर विधायक चुफाल पर डीडीहाट जिला आंदोलनकारियों की मांग को अनदेखा करने का आरोप लगा है। लेकिन इस पर चुफाल पूर्व में ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वो इस मांग को मुख्यमंत्री धामी तक पहुंचा चुके हैं। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से जिले को बनने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। अपने बूथों को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड भाजपा ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सांसद अजय टमटा समेत भाजपा पदाधिकारियों द्वारा जनपद बागेश्वर से कुमाऊं मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। ये यात्रा आज सोमवार को बिशन सिंह चुफाल के गृह क्षेत्र डीडीहाट पहुंचेगी, जिसकी तैयारियां डीडीहाट में नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल की अध्यक्षता में की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है, और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।